वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल द हिमालयन वंडरलस्ट। तो आज हम आए हैं तकमाचिक विलेज में। तो थोड़ा सा एक व्लॉग बना रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि जिन जिन को लद्दाख के बारे में जानकारी प्राप्त करना है और लद्दाख के बारे में जानने के लिए उत्सुकता और इंटरेस्ट है, तो वो आप जान सकते हो मेरे YouTube चैनल के द्वारा। तो आज हम विलेज के मोनेस्ट्री में खड़े हैं। जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, बुद्धा का स्टैचू है, बहुत ही बड़ा, और ये मोनेस्ट्री भी है। तो विलेज की बात करें तो विलेज कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है और काफ़ी सुंदर, और एक वैली टाइप का जैसा होता है वो वैसा ही है। तो अभी हम शाम को पहुँचे, इसलिए सन जो है वो सेट होने वाला ही है। तो देखिए कितना सुंदर है। तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है बुद्धा जी का स्टैचू, और ये है यहाँ का मोनेस्ट्री, जो कि यहाँ पे कोई भी नहीं है अभी फिलहाल, सिर्फ एंजॉय करिए। ये ले से तकरीबन 114 किलोमीटर की दूरी पे है आई गेस, क्योंकि मैंने अभी किलोमीटर नापा हुआ था तो मुझे 100 किलोमीटर समथिंग में समथिंग का रीडिंग आया। तो मोनेस्ट्री के अंदर कुछ इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं ताला लगा है, जो कि हमारी किस्मत फूटी हुई है कि हम दर्शन नहीं कर पाए। यहाँ पे आप फील ले सकते हो। काफी सुकून और शांति वाला जगह है। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक नोटिस किया कि अभी भी गांव में ज्यादातर शीप्स को पालते हैं, देखिए। और ये जो अभी ये कल्चर है वो शहरों में तो ख़त्म ही हो गया है। मुझे सिर्फ इन चीज़ों को देख के बहुत अच्छा महसूस होता है, और ऐसे पुराने घरों को देख के। आजकल तो सभी ले की तरफ और मॉडर्नाइजेशन में ही ज़्यादा घुसे हुए हैं, जबकि मुझे तो आनंद सुकून आता है। हम आए तो थे मोनेस्ट्री को दर्शन करने के लिए, मगर मोनेस्ट्री तो बंद है, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ व्हील्स है, हम वापस ही जा रहे हैं। तो अभी हम गुम्पा से वापस जा रहे हैं, जो कि मोनेस्ट्री से। जबकि ले नहीं, अभी सिर्फ अच्छा है, यहाँ पे पूरे पहुँच गए हैं। कितना फर्क रहता है यहाँ का गाँव, यहाँ पे किंग्स गुप्ता
पास है तीन या चार एक, और हम गांव के एंड में आ चुके हैं, जो कि हमें ये ब्रिज क्रॉस करके लेक की तरफ जाना पड़ेगा, जो वहां का ऊपर वाला रोड है जो कि क्रॉस कर लिया। सीधा बनालिक तक जाता है, जो कि यहाँ से 69 किलोमीटर अप्रोक्स है, और अभी हम आ गए हैं ले वाले रोड पे, और कुछ ही समय बाद हम सीधा नेशनल हाईवे पे लिंक हो जाएंगे। मानो या ना मानो, चलाने में बहुत मजा आता है इस प्रकार के रोडों पे, चाहे पुलिस अधिकारी लेके आओ। ये जो जगह है वो आप मतलब कम ही घूम पाओगे, जैसे कि आप यहाँ पे आते हो घूमने के लिए, आपको पता नहीं होगा कि इन गाँव पर भी हम जा सकते हैं। इन जैसे रूटों में चलाने में बहुत मजा आता है, आप हमेशा अटेंड अलर्ट रहते हो। मेरे अभी नीचे से सिकंदर शिविर कह रहा है, और लेने तक पहुंचे जाने 102 किलोमीटर और है, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है करीब 6। जैसे जैसे फिर हम लेक की तरफ बढ़ रहे हैं, पहाड़ थोड़े छोटे हो रहे हैं, और सन भी फिर से सनराइज हो रहा है। आपको बाहर के गाड़ी से बाहर के व्यूज भी थोड़ा दिखाता हूँ। नहीं ना दो खा ना उस दिन ले लिया सोचे भाई, बात कुछ ऐसा है कि मुझे भी रोक दिया, अपना नंबर लिखो। मैंने बोला कि मैं तो लद्दाख का ही रहने वाला हूँ, मैं तो घूमने के लिए गया था, तो मिले ले जाऊँगा। मेरे सामने चार बाइकर्स जा रहे हैं, जो शायद श्रीनगर से आए हैं, बंगाल से ये ट्राई करते हुए। तो अभी हम पहुंचे हैं खालसे बाजार में, यहाँ पे जो भी श्रीनगर वाले हाईवे से, तो यहाँ से लोगों को थोड़ा आपको सस्ता पड़ेगा, बाकी ले से भी आप ले सकते हो, यहाँ पे थोड़ा आपको सस्ता बाजार कुछ ऐसा दिखाई देता है, यहाँ पे हर तरह का आपको चीज़ मिल जाएगा, जनरल स्टोर्स भी हैं, और यहाँ पे एक दुकान है जहाँ पे आपको एंटीक का सामान भी मिल जाएगा, जो भी आपको चाहिए। शायद ले से तो थोड़ा सस्ता होगा इधर। छोटा सा बाजार है और खत्म नहीं हुई है।
तो गाइस अभी हम रास्ते में रुके हुए हैं और यहाँ पे रुकने का कारण ये स्प्रिंग वाटर है। जो स्प्रिंग वाटर है वो प्योर वाटर है, मिनरल्स भी मिलेंगे इसमें। तो गाइस पहुँच गए हैं अपने घर, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।